अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, लेकिन अब जो है हमने वर्क डन निकालना है बाय वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स के बाद यहाँ पर ऐसे है कि जब भी आप बॉडी पर वर्क डन कर रहे होते हैं तो फोर्स एक जैसी वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट आप बॉडी को लेकर जा रहे हैं, जैसे रॉकेट अगर मूव कर रहा है तो जैसे जैसे वो हाइट पर जाएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उस पर वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई वर्क डन जो है वहाँ पर बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड वो एक वेरिएबल फोर्स के तौर पर जो दिया जाएगा। तो सेम इस तरह से हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है ये दो तरीकों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो है इंटरनल मेथड और सेकंड है ग्राफिकल मेथड। अब देखते हैं इंटरनल मेथड में आपने क्या करना है। चूंकि ये एक और वी पॉइंट है, आप यहाँ पर बॉडी को लेकर जा रहे हैं इसे वी पॉइंट तक, तो इसमें जब हम वर्क डन करेंगे तो फोर्स एक जैसे भी वहाँ पर नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पूरे इंटरवल को पूरे पाथ को डिवाइड कर लेंगे स्मॉल इंटरवल में। तो यहाँ पर जो आपने क्या किया कि इस पाथ को डिवाइड कर दिया स्मॉल पैचेस में या स्मॉल इंटरवल में। देखिए हम कर लेंगे इसको, ये मैं इस पूरे पाथ को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वल स्मॉल इंटरवल से। जो पहला इंटरवल है इसको मैं कह देता हूँ डेल्टा डी वन, सेकेंड को डेल्टा डी टू, डेल्टा डी थ्री, अब तो जो लास्ट है वो है डेल्टा डी एन। अब पहले टर्म में फोर्स लगनी है, दैट फोर्स इज एफ वन, और जो एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको हम कहते हैं दैट इज थीटा वन। सिमिलरली जो सेकंड टर्म में फोर्स लग रही है उसको हम कहेंगे एफ टू फोर्स, और जो एंगल बनाया गया यहाँ पर दैट इज आर थीटा टू। इस तरह एफ थ्री थर्ड टर्म में लगेगी और इस तरह लास्ट एंगल है आपका वहां पर जो फोर्स लगेगी वो है एफ एन, और एंगल बनेगा यहां पर उसको हम कहेंगे थीटा। अच्छा, अब ये इंटरवल हमने जो स्मॉल इंटरवल लिया इतना स्मॉल है कि इसमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट, यानी कि एफ वन इंटरवल में फोर्स जो है वो एफ वन इंटरवल में कांस्टेंट रहेगी, एफ टू की फोर्स अपने इंटरवल में कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई हर इंटरवल की फोर्स इंटरवल बहुत स्मॉल है तो वहां पर फोर्स अपने अपने इंटरवल में कांस्टेंट है। सो यहां पर फिर हम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सो हम यहां पर पहले डब्ल्यू वन वर्क डन निकाल लेंगे, फिर डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री, आप डब्ल्यू एन। तो देखिए ना यहाँ पर हम यहाँ पर निकालते हैं डेल्टा डब्ल्यू वन, दैट इज वर्क डन इन द फर्स्ट इंटरवल, वो क्या होगा हमारे पास एफ वन कॉस थीटा वन डेल्टा। सिमिलरली सेकेंड टर्म डेल्टा डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एफ टू कॉस थीटा टू डेल्टा टी टू। इस तरह आप डेल्टा डब्ल्यू थ्री निकाल लेंगे थर्ड इंटरवल की, फिर फोर की, अप टू लास्ट। यहाँ पर सेम आप काम कर रहे हैं, और जो लास्ट वर्क है डब्ल्यू एन दैट इज इक्वल टू एफ एन कॉस थीटा एन डेल्टा। अब देखिए यहाँ पर जितना आपने वर्क डन किया स्मॉल इंटरवल में वो आपको ऐड कर देंगे, सो जो वर्क डन टोटल जो होगा आपका ये इक्वल होगा वर्क डन इन द फर्स्ट इंटरवल प्लस वर्क डन सेकंड इंटरवल अप टू वर्क डन इन द लास्ट इंटरवल। यहाँ पर आपको ऐड कर दें एफ वन कॉस थीटा वन डेल्टा डी वन प्लस सेकेंड इंटरवल वर्क एफ cos theta 2 delta d2, और जो लास्ट है आपका fn cos theta n delta dn। अब आप इसको बच्चों एक समीकरण की फॉर्म में लिख सकते हैं, उस समीकरण की फॉर्म में आप ये सिंबल यूज करते हैं सिग्मा सिंबल। जब आप सिग्मा वैल्यूज को ऐड अप करते हैं तो आप सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं कि वैल्यू है कि स्टार्ट हो रही है 1 से n तक,
और यहां पर आ जाएगा एफ कॉस थीटा टैन डी। जो लेटर आप यहां पर इस्तेमाल करते हैं वही आप इसके साथ सवाल करेंगे एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। तो ये आपने कैलकुलेट किया हमारे इंटरनल मेथड। अब आ जाइए बहुत लंबा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपने इसी पाथ को एक ग्राफ में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ग्राफ में हमने ले लिए है अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट और अलोंग वाई एक्सिस में ले लिया है कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपने इसको डिवाइड कर दिया डेल्टा डी वन डेल्टा डी टू और अब यहाँ पर जो है डेल्टा डी एन। अब इस ग्राफ में जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन अपवर्ड ये एफ कॉस में शो कर रहे लेकिन फर्स्ट इंटरवल में यहाँ पर फोर्स लग रही होगी दैट इज एफ वन कॉस थीटा वन यहाँ पर फोर्स शो कर। सिमिलरली सेकेंड इंटरवल में फोर्स लग रही होगी दैट इज एफ टू कॉस थीटा। अगर आप ग्राफ से निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप एरिया की डिस्टेंस पहले करते हैं इधर भी आप डेल्टा डी वन और एफ वन कॉस थीटा को लेंगे एरिया जो है निकल आएगा इसका और एरिया जो होगा दैट इज रिप्रेजेंट द वर्क डन इन द फर्स्ट इंटरवल। इस सेकंड इंटरवल में भी आप निकाल सकते हैं लेकिन अब यहां पर अगर आप देखें जब आप एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल के अंदर तो यहां पर ये चीज जो है इसका वर्क डन यहाँ पर ये भी साथ शामिल हो रहा हूँ। इट मीन्स कि वर्क डन जो है यहाँ पर मैं डैश लाइन ले रही नहीं है ये इसमें होगा ये उधर कैलकुलेट नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको और ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं हम इस डेल्टा डी इंटरवल को और स्मॉल कर देते हैं। जितना स्मॉल इंटरवल आप करते चले जाएंगे देखिए मैं इसको स्मॉल इंटरवल में कन्वर्ट कर रहा हूँ जो आप स्मॉल इंटरवल में कन्वर्ट करते चले जाएंगे तो आप देखिए वो दिन जब इंटरवल स्मॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो गैप्स हैं ये मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स अगर आप ग्राफिकल मेथड से वर्क डन निकालना चाहते हैं तो डेल्टा डी जितना भी आप स्मॉल कर सकते हैं स्मॉल कर लेंगे तो वर्क डन में वहाँ पर एक्यूरेट है वो निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा डी को अगर और मजीद स्मॉल करने के लिए वर्क डन को और तो यहाँ पर फिर हम उसको ऐसे लिखेंगे कि वर्क डन जो है हम निकाला है हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगाई डेल्टा डी जो है इस अप्रोच टू जीरो इससे मुराद ये है कि हमने जो डेल्टा डी इंटरवल है इसको इतना स्मॉल कर दिया स्मॉल दैट अप्रोच टू जीरो और सिग्मा आई के वैल्यू वन से एन एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई इस सूरत को वर्क डन जो होगा दैट इज अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ से ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में आप फर्क जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट नहीं लगी हुई यहाँ पर जस्ट आपने इंटरवल्स वर्क डन निकाला है लेकिन ग्राफिकल मेथड में आप देख रहे हैं कि लिमिट लगी हुई है। तो ग्राफिकल मेथड में डेल्टा डी डिस्प्ले जितना स्मॉल होगा उतना ही वर्क जो है वो ऑपरेट जो है वो निकले। अब लास्ट पॉइंट कि आप यहाँ पर देखिए जब हम वर्क डन निकाल रहे हैं नॉर्म को ऐड कर रहे हैं तो एक्चुअल ये एफ कॉस थीटा और डेल्टा डी यहाँ पर यूज करेंगे ग्राफ से आपने वर्क डन पहले निकाला था ग्राफिकल मेथड से। तो लिहाज स्टूडेंट्स ये आपका आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।